हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा कि दोस्तों बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर यानी कि रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं और कैसे यहाँ पे मार्केट में बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी ऊपर की साइड में निकलता है धीरे धीरे करके, उसके बाद में नीचे की साइड में बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और मार्केट अगर मार्केट ओपन होता है और मार्केट नीचे की साइड में आपको दिखाता है और मार्केट ऊपर की साइड में बहुत तेज़ी से यहाँ पे बुलिश हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में जब यहाँ पे छोटे छोटे जो प्लेयर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं मार्केट में, यहाँ पे लोग बाई करते हैं, यहाँ पे स्विंग बनाते हैं मार्केट ऊपर की साइड में थोड़ा बहुत जैसे जाता है, और यहाँ पे जितने लोग बाई करते हैं और मार्केट नीचे की साइड में जब आता है तो यहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं और मार्केट को नीचे की साइड में वो लेकर चले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे बाइंग के हो गए सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद में जब मार्केट नीचे की साइड में जाता है, यहाँ पे जितने लोग पुट को बाइंग किए होंगे मार्केट में, आप देख सकते हैं एक तेजी, काफी तेजी यहाँ पे आने लगती है। दोस्तों, जो ये सेबी का डाटा निकल के आया है ये दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ये लगता नहीं है कि ये सही है। ये दोस्तों पे विश्वास नहीं होता है कि मार्केट में रियलिटी में 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मार्केट में ज़्यादातर आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलता होगा, अगर आप मार्केट में नए हैं दोस्तों, तो आपके आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ज़्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, ना कि आपको लॉस का स्क्रीनशॉट ज़्यादातर देखने को मिलता होगा। आप यहाँ पे देखे होंगे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कम से कम आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। जहाँ तक यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं और लॉस को यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं, तो जिससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को ज़्यादा मिलता है और लॉस देखने को कम मिलता है। अब आप इस हिसाब से देखिए कि अगर मार्केट में अगर 10 में से 9 लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको लॉस दिखना चाहिए कि आपको प्रॉफिट उसके आगे कुछ नहीं है। तो मार्केट में प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है, आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे। प्रॉफिट तो बना सकते हैं, उसके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मार्केट में आपको लगे रहना पड़ता है, तब जाके आप अगर सीख लेंगे अच्छे से प्रॉपर से तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। प्रॉफिट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 9 लोगों के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे 100 में से आप 11% जो लोग जो प्रॉफिट बना रहे हैं उस 11% में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मार्केट में टाइम देना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में जाएगा, आपको ट्रैप करेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा, आप यहाँ पे नीचे साइड में एंट्री ले लोगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मार्केट नीचे की साइड में चला जाएगा, जिससे आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपका कैपिटल यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखोगे तो आपके कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट इसी तरीके से लोगों का यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट देता है जब यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट करना होता है। जब उनका स्टॉप लॉस देने की बारी आती है तो वो लोग स्टॉप लॉस लेते नहीं है और उनका जो भी प्रॉफिट रहता है उनका कई गुना यहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मार्केट में लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस में रहते हैं, प्रॉफिट कम से कम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मार्केट हाई बनाया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है दूसरे दिन, मार्केट में आप देख सकते हो ये 14 तारीख का ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया रखा है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, लोग यहाँ पे एंट्री करते होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एंट्री कर ले होंगे क्योंकि मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट जोन पे है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे है और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है, तो मार्केट में कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक रेड कैंडल आया और ये भी एक हैमर कैंडल है, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरी कैंडल आप देख सकते हैं, फिर से हैमर कैंडल आया, यहाँ की मार्केट एक बुलिश कैंडल बना रहा है, मार्केट में एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है। मार्केट नीचे की साइड में आता है और बिग बना के ऊपर की साइड में निकल जा रहा है, और यहाँ पर भी इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद में नीचे की साइड में से ऊपर की साइड में जाके यहाँ पे क्लोज हो गया है। यानी कि ये जो कैंडल बन रहा है एक बाइंग साइड का कैंडल है, यहाँ पे एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है और नीचे की साइड में मार्केट नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस भी, यहाँ पे जो एंट्री कर ले होंगे इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस लगाए होंगे यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा मार्केट। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की साइड में आया, लेकिन अपने इस लो को यानी कि जो डे लो है मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे तो आया, फिर मार्केट आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग कैंडल बनाया है जो कि एक बुलिश कैंडल है। मार्केट में यहाँ पे काफी ज्यादा लोग एंट्री किए होंगे यहाँ पे, और मार्केट में एक बुलिशनेस दिख रहा है जिससे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनाता है,
मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन बाइंग साइड में बन गया होगा। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं मार्केट उसके बाद में क्या करता है, मार्केट में एक काफ़ी तगड़ी यहाँ पे बुलिश कैंडल आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो लोग यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए होंगे वो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे और स्टॉप लॉस कुछ लोग इसके नीचे रखे होंगे और मार्केट में कुछ लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे जो यहाँ पे बाई किए होंगे। दोस्तों जो ऊपर की साइड में बाइंग किए होंगे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ तक होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट एक बुलिश में मार्केट जा रहा है और बुलिशनेस दिखा के मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकला और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मार्केट एक रेड कैंडल बनाया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में यहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया और यहाँ पे क्लोज किया, यानी कि जो लोग मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिए हैं उनके पास हिम्मत आया और मार्केट में यहाँ पे वो लोग रुके होंगे और कुछ लोग यहाँ पर भी बाइंग किए होंगे। उसके बाद आप देखिएगा मार्केट फिर मार्केट नीचे की साइड में जाने लगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी से फॉल आया, क्योंकि ये फॉल आने का सबसे मेन रीजन है दोस्तों कि जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे थे उनके स्टॉप लॉस कटे और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे थे उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गए हैं। क्योंकि मार्केट में दोस्तों जितना मार्केट यहाँ तीन कैंडल में गिरा है उससे ज़्यादा मार्केट यहाँ जो प्रीमियम है दोस्तों इससे ज़्यादा यहाँ पे गिरा होगा इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज गिरावट हुई है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए होंगे उनके लिए तो ठीक है और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लिए होंगे दोस्तों उसके बाद आप देखिएगा मार्केट धीरे धीरे करके उनके स्टॉप लॉस क्या उनके पूरा कैपिटल भी साफ कर सकता है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे गिरता गया और मार्केट यहाँ इसके नीचे की साइड में यहाँ तक गिर गया। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो आप छोटे से स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पे पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मार्केट यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट जब ओपन होता है गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडल आती है जो कि यहाँ पे बड़ी बिग दिख रहा है, तो ना कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं यहाँ पे बाई भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बढ़ाते हैं आगे, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आता है जहाँ पे आप यहाँ पे कन्फ्यूजिंग कैंडल है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे होप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश कैंडल काफी बढ़िया तेजी से बुलिश कैंडल आया है और ये अपने हाई को ब्रेक भी कर दिया है और इसके ऊपर क्लोज भी हो गया है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे अगर बाई कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट और भी ऊपर गया है, एक मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल दूसरा बना दिया है, कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों बाई कर लेंगे। उसके बाद मार्केट एक नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट में फिर से आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आ गया, तो जिससे मार्केट यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे उम्मीद होगा कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इस तरीके से आप और भी यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे बायर्स और भी आ जाएंगे। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट में जब दूसरी कैंडल आ जाती है तब यहाँ पे एक स्विंग भी बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री कर लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया फिर ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद में मार्केट में जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे अपने स्टॉप लॉस कुछ लोग यहाँ रखे होंगे कुछ लोग यहाँ पे रखे होंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड में आया और एक हैमर कैंडल बनाया, यहाँ पे मार्केट ने नीचे आने के बाद भी यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया जिससे लोग यहाँ पे निकले ना और यहाँ पे लोग एंट्री करें। तो इसकी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ गया, जो लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे और जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा दोस्तों उनका स्टॉप लॉस बचा होगा और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे ऊपर की साइड में बायर्स को ट्रैप करना होगा तो इसके नीचे मार्केट जरूर आएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मार्केट एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया और जिसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिर रेड कैंडल आई, फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगभग हिट हो गए होंगे और यहाँ पे दोस्तों फिर से आप दोस्तों देख सकते हैं मार्केट कैसे यहाँ पे नीचे की साइड में मार्केट यहाँ पे आता हुआ जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है और कैसे मार्केट यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे नीचे की साइड में ही मार्केट यहाँ पे रहा, यानी कि यहाँ पे जितने बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे और जिनके स्टॉप लॉस लग गए होंगे जो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया होगा उसके लिए तो ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा और यहाँ पे आप होप ट्रेडिंग करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ ही नहीं और यहाँ पे लगभग लोगों का यहाँ पे कैपिटल डूब जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे और आपने होल्ड कर लिया और आपके अपोजिट में ट्रेड चला गया तो ये समझ लो कि आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके हिसाब से मार्केट भी चलेगा और यहाँ पे स्पीड अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अगर आपके अपोजिट में चला गया और वहाँ पे मोमेंटम भी नहीं रहेगा तब भी आप वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिले होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मार्केट में कहीं अगर बाइंग दिख रहा है अगर उसको मार्केट अगर ट्रैप करना होगा तो मार्केट वहाँ पे रिवर्स हो जाता है इस तरीके से, और मार्केट जब नीचे की साइड में जाएगा दोस्तों तो ये ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे बचना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।